कोई डाउट है पिछले क्लास से? एनी डाउट? क्लियर है? नेगेटिव बाइनोमियल टाइप वन टाइप टू ऑल क्लियर? यस और नो? यस और नो? ठीक है, लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग जो करेंगे. हाँ, कौन सा नंबर होगा? सेवन. इसका सम्स नहीं किया था ना हमने, एक भी सम नहीं किया था. टाइप टू का सम्स नहीं हुआ है ना? नहीं, ठीक है, दैट्स फाइन. टाइप वन का कर लिया ना हमने. फिर हम लोग एक साथ में कुछ सम्स करेंगे तो उसी में देख लेंगे. इफ इट्स इंक्लूडेड वील डू इट ओवर देयर. चलो Just give me a second. ठीक है, सेवेंथ नंबर हेडिंग दो, हाइपर हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस. रुको, ऑन हो रहा है. हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट गिवन इन द टेबल बुक. सो जो भी है हम लोग यहाँ करेंगे, बिकॉज इट इज अगेन नॉट अ वेरी कॉमन यूज्ड डिस्ट्रीब्यूशन लाइक अदर्स दैट वी हैव डन. सो इट्स नॉट इंक्लूडेड इन योर टेबल बुक. तो यहाँ पे हाइपरजोमेट्रिक में क्या होता है ना, बेसिकली जो हमारा रैंडम वेरिएबल एक्स है, बस दो मिनट दो, ये ऑन हो जाएगा. जो हमारा रैंडम वेरिएबल एक्स है, ठीक है, उसमें लिखो दिस इज द नंबर ऑफ सक्सेसेस, नंबर ऑफ सक्सेसेस इन अ सैंपल साइज एन, स्मॉल एन, फ्रॉम अ पॉपुलेशन साइज कैपिटल एन, फ्रॉम अ पॉपुलेशन साइज एन, दैट हैज के सक्सेसेस and n minus k failures. ठीक है,
गॉट इट? तो यहां पे हमने क्या लिखा, क्या लिखा हमने, दैट कैपिटल एन इज द पॉपुलेशन. लेट्स सपोज ये आपका पूरा पॉपुलेशन है 100 लोगों का, ठीक है. इस 100 लोगों में लेट्स सपोज आपका 60 एक कैटेगरी हो गया एंड 30, या फिर इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, मान लो ये हमारा 45 हो गया एंड ये हमारा रेस्ट 55 हो गया, ठीक है. ये हमारा सक्सेसेस है जिसको हम लोग के बोलेंगे. तो ये क्या हो गया, ऑब्वियसली एन माइनस के फेलियर्स हो गया ना. अब आपका सैंपल साइज, मतलब मैंने बोला इस पूरे पॉपुलेशन में से यू टेक अ स्मॉल सैंपल साइज ऑफ एन, लेट्स सपोज 60 इज द सैंपल साइज. इस सैंपल साइज में से मेरे को एक्स, जो देखो एक्स इज द थिंग दैट वी आर डिफाइनिंग, एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल. नाउ लेट्स सपोज इफ आई टेल यू आउट ऑफ दिस 60 सैंपल साइज आई वॉन्ट 25 सक्सेसेस. तो यहां पे ना आप लोग को अगर कुछ भी नहीं बोला जाए कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक है, खाली बेसिक आपका कॉन्सेप्ट ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस एंड प्रोबेबिलिटीज, क्या आप लोग निकाल सकते हो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द, वन सेकेंड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, कैन यू टेक आउट? इजी है. प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स, कैन यू टेक आउट? कैसे बताओ? हाँ, 60C25 का क्या मतलब है कि 25? मैं ये नहीं बोल रही सही बोल रहे, ठीक है, बट ये कुछ जो बोल रहे हैं वो मैं लिख रही हूं. फिर नेक्स्ट, 60C25 का क्या मीनिंग हुआ? नहीं, गलत. मैंने बोला कि 60 जो सैंपल साइज तुमने एक्सट्रैक्ट किया उसमें तुम्हें 25 सक्सेसेस चाहिए, समझ रहे हो? समझ रहे हो? अब बताओ क्या पी का क्या हो जाएगा, कैसे निकालेंगे पी? तुम लोग क्वेश्चन नहीं समझो, सुनो फिर से सुनो. फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझते हैं, ये वाला एग्जाम्पल अगर हम लोग ले, लेट्स सपोज मैंने क्या बोला, 100 है ना पॉपुलेशन, ठीक है, 100 आपका पॉपुलेशन है. मेरा कंपनी है जिसमें 60 वेकेंसीज है, ठीक है, नहीं 60 नहीं, लेट्स सपोज 25 वेकेंसीज है, ठीक है, 25 वेकेंसीज है. अब उसमें से मैं बोल रही हूं कि जो ये 100 लोग थे, 100 लोग में 55 लोग एलिजिबल है, 45 एलिजिबल नहीं है, ठीक है, ये चीज क्लियर है? यस और नो? ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि ये जो 60 आपका सैंपल साइज है, इसमें से what is the chance, what is the probability you will have 25 successes? तो आपको क्या करना है, आपको ये 25 successes चाहिए out of the sample size of 60, मतलब बाकी जो आपके rest कितने 35 होंगे वो failures होंगे इन 60 में से, हाँ कि ना, हाँ कि ना, ये आपके फेलियर्स होंगे, तब जाके तो 25, तब जाके तो ये दोनों का टोटल 60 आ रहा है. तो आपका जो ये पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में आपके पास 55 सक्सेसेस हैं, 45 फेलियर्स हैं. तो शुड नॉट, शुड इट बी 55C25 इनटू, तुम लोग क्या बोल रहे थे डायरेक्टली 60C20, नहीं 60 पॉपुलेशन सैंपल आउट ऑफ द 100 पॉपुलेशन यू आर टेकिंग आउट, यू आर पिकिंग अ 60 सैंपल, ठीक है. अब उस 60 सैंपल में से, वेरी गुड आंचल हैज गिवन द आंसर, उस 60 में, नहीं आंचल इज ऑल्सो रॉन्ग, गलत लिखा है तुमने, गलत है, आधा चीज गलत है. तो उस 100 में से 60 जो आप उठा रहे हो
उस 60 में 25 सक्सेस चाहिए एंड 35 फेलियर चाहिए, तो ये हो गया, और ये हो गया 45 जो टोटल फेलियर्स है पॉपुलेशन में, सी 35। तो अब आप ऊपर में न्यूमरेटर में कितना पिक कर रहे हो, 25 प्लस 30 60 आप पे कर रहे हो और 100 सी 60। दिस इज द टोटल नंबर, ध्यान से सुनना, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ, मतलब दिस इज द टोटल वेज इन विच यू कैन पिकअप 60 कैंडिडेट्स फ्रॉम 100 पॉपुलेशन। This is the total number of ways you will pick up 60 people from a population of 100. Yes or no? This is the total number of ways out of which you are picking up 25 successful people out of 55. And this is the total number of ways you are picking up 35 failures from 45 failures. Total aapka numerator mein kya aaya? 60 divided. समझ रहे हो कैसे करना है इसको, हाइपरजोमेट्रिक को? सो अब इसको इन लोग को अगर हम लोग को जनरल में लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे? एक्स इज द नंबर ऑफ सक्सेसेस वी नीड, सो के विच इज द टोटल नंबर ऑफ सक्सेसेस इन द पॉपुलेशन, के सी एक्स एन माइनस के, एन माइनस के क्या है, ये नंबर ऑफ फेलियर्स इन द पॉपुलेशन, सी क्या होगा, स्मॉल एन माइनस एक्स, क्योंकि आपका एन और एक्स ही डिफाइंड है, और यहां क्या हो जाएगा, देख लो, अब ये सुन लो, ये सिमिलर टू बाइनोमियल है, बट क्या डिफरेंस है यहां पे, कि जब हम बोल रहे देर आर इन टोटल 100 पॉपुलेशन साइज, उसमें से आप 60 उठा रहे हो, वी आर पिकिंग अप विदाउट रिप्लेसमेंट। इसका क्या मतलब है, एक इंसान उठाया रख दिया, फिर एक उठाया, फिर एक उठाया, फिर एक उठाया, देर इज नो रिप्लेसमेंट हैपनिंग, सो इट्स विदाउट रिप्लेसमेंट, नॉट विथ। एंड सिंस इट्स विदाउट रिप्लेसमेंट, ऑल द नंबर ऑफ टाइम्स यू आर पिकिंग अप पीपल इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। पहले जब 100 का पॉपुलेशन है उसमें से प्रोबेबिलिटी कि आप एक सक्सेसफुल इंसान को उठाओगे विल बी 55/100, फिर दूसरे को उठाओगे विल बी 54/99। सो इट्स डिपेंडेंट, इट्स नॉट इंडिपेंडेंट ईच टाइम यू आर पिकिंग अप। सो यहां पे वो डिपेंडेंसी है, द ट्रायल्स आर नॉट इंडिपेंडेंट। एंड अगेन ये केस कैसा है कि जब आपके पास एक पूरा पॉपुलेशन है उसमें से आई एम पिकिंग अप अ सैंपल, आपको आपके पॉपुलेशन में पता है कि इतने नंबर ऑफ सक्सेसेस है, इतने नंबर ऑफ फेलियर्स है। अब जो आप सैंपल 60 का उठा रहे हो उसमें मुझे 25 सक्सेसेस चाहिए, तो वो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, दिस विल बी कैलकुलेटेड यूजिंग दिस। ठीक है, अंडरस्टूड? एनी डाउट देख लो। अगेन इसका मीन एंड वेरिएंस डेरिवेशन हम लोग के सिलेबस में नहीं है, बट इसका हम तो आप लोगों को क्लियर है, कैपिटल एन इज द सैंपल साइज, पॉपुलेशन साइज, स्मॉल एन इज द सैंपल साइज, कैपिटल के इज द नंबर ऑफ सक्सेसेस इन द पॉपुलेशन, एंड स्मॉल एक्स इज द नंबर ऑफ इन द सैंपल, नंबर ऑफ सक्सेसेस इन द सैंपल। ठीक है, और x का वैल्यूज कहां से कहां जा सकता है इस केस में, इट कैन बी जीरो सक्सेसेस इन द सैंपल, वन कब कहां तक जा सकता है, अगर k तुम्हारा n से बड़ा हुआ तो n होगा ना। नाउ अगेन दैट डिपेंड्स कि तुम्हारा ये जो n है दैट नीड्स टू बी smaller than capital K, but ये n तक जा सकता है, आप capital K भी लिख सकते हो या n भी लिख सकते हो। ठीक है, that depends कि आपका कौन सा ज्यादा बड़ा है। So इसको ना मतलब ठीक है, if let's see if you can understand this thing which I am writing, your x should lie between, should be greater than zero या फिर इसका मैक्सिमम या फिर मिनिमम ऑफ, देखो समझो
क्विकली आई विल एक्सप्लेन, अगर नहीं समझ में आए तो यू कैन स्किप इट, बट क्विकली जो समझो, पहले हम लोग ये वाला पार्ट समझते हैं। तो मैं बोल रही हूँ यहाँ पे मैंने क्या बोला, ये एक जन बोल रहा है के भी हो सकता है, एक्स एन भी हो सकता है, तो ये डिपेंड करता है आपका क्या सिचुएशन है। फॉर एग्जाम्पल इस केस में आपके नंबर ऑफ सक्सेसेस इज 55, तो आउट ऑफ 60 सैंपल ऑब्वियसली 55 से ज्यादा आपके पास सक्सेस आ ही नहीं सकता, तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, दैट एक्स इज रिस्ट्रिक्टेड टू के। बट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके नंबर ऑफ सक्सेसेस इंस्टेड ऑफ 55 75 होता, तो ये आपका नंबर ऑफ सक्सेसेस 60 तक जा सकता था टोटल, तो देन इट हैज टू बी एन। सो इट डिपेंड्स कि मिनिमम एन है कि एक्स है, इस केस में मिनिमम के है हमारा, मतलब के और एन में से मिनिमम कौन सा है, तो उस पे हमारा मैक्सिमम ऑफ एक्स विल डिपेंड। इज दिस क्लियर, येस और नो, क्विकली इज दिस क्लियर, बोलो। आई वॉन्ट सबका येस, एक पॉइंट एसी कम करो, 25 करो, इधर है, क्लियर है, एनी डाउट इन दिस? ये हो गया अनदर थिंग, अरे ये हो गया अनदर थिंग इज, अनदर थिंग ये यूजली हम जीरो लेते हैं, बट जीरो कब नहीं हो सकता, आपका जो टोटल सैंपल है ये वाला पार्ट ऐसे कंसिडर करते हैं, एन माइनस के, ये एन माइनस के क्या है, नंबर ऑफ फेलियर्स इन द पॉपुलेशन। तो आपका स्मॉल एन, मतलब लेट्स सपोज इस केस में हमारा 60 माइनस टोटल नंबर ऑफ फेलियर्स इज 45, कितना आ रहा है, हा 60 माइनस 45 कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, हा। तो अब बोल रहे मैक्सिमम ऑफ 15 या जीरो, क्योंकि ऐसे क्यों बोल रहे हैं समझो, क्या इस केस में तुम लोग जब 60 सैंपल उठाओगे क्या जीरो सक्सेस पॉसिबल है इन एनी विच वे? अगर जीरो सक्सेस होता तो सारे 60 फेलियर्स होने चाहिए थे, पर 60 फेलियर्स कैसे हो सकते हैं जब आपके पास टोटल में ही 55 सक्सेसेस हैं, तो रेस्ट 5 होना ही पड़ेगा, गेटिंग द पॉइंट, सो इट कैन नॉट बी अ जीरो, दैट इज वाई इट हैज टू टेक सम मिनिमम वैल्यू, तो वो हम लोग यहाँ पे ऐसे कैलकुलेट करते हैं। सो दिस इज वन वे ऑफ राइटिंग, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल इट्स फाइन, बट आई थिंक बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि वाई मैक्सिमम इज मिनिमम ऑफ के कॉमा एन। अगेन दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट वाइडली यूज, हार्डली यू माइट सी इट समवेयर, एक या दो जगह पे, सो दैट इज वाई अगर आप लोग को ये याद नहीं भी करना, बट अगर आप लोग लॉजिक से भी लगा के इसको लिखना चाहो इन एनी सम, यू ऑल कैन इजीली राइट। मतलब मैं बोल रही हूँ यहाँ पे मिनिमम ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, अगर आपका 60 सैंपल साइज है, आप सारे फेलियर्स भी ले लोगे विच इज 45, तो मिनिमम 15 सक्सेसेस तो चाहिए ही ना, येस और नो, मिनिमम आपको 15 सक्सेसेस, तो इस केस में हमारे केस में एक्स का वैल्यूज कहां से कहां जाएगा, 15 16 डॉट 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 अप टिल मिनिमम, कौन सा मिनिमम है, के की एन, के एन के है ना 55, एक बार ही देख लो शांत दिमाग से एंड कॉपी कर लो विथ एग्जाम्पल।
क्लियर है? कॉपी किया तुम लोग इसको? अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं चलो। अच्छा इसके पहले ना एक छोटा सा चीज कि व्हाट आई मेंशनड अर्लियर कि यहाँ पे डिपेंडेंट आप एक उठाए फिर दूसरा उठाए, इट्स ऑल डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी। बायनोमियल में क्या होता है, ईच टाइम यू आर थ्रोइंग अ डाई योर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन्स द सेम विच इज पी। यहाँ पे एन आपका सैंपल साइज है, ईच टाइम यू आर पिकिंग अप अ पर्सन योर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस विल चेंज बिकॉज इट्स विदाउट रिप्लेसमेंट। सो वेन इट्स अ विदाउट रिप्लेसमेंट, वेन इट्स अ विदाउट रिप्लेसमेंट इट बिकम्स योर हाइपरजोमेट्रिक, एंड वेन इट्स विथ रिप्लेसमेंट इट बिकम्स अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। गॉट इट? यहां पे आपका पी चेंजेस, यहां पे आपका पी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। क्लियर है? ठीक है चलो एक क्वेश्चन कर लो। लिखना अमंग 16 एप्लीकेंट्स फॉर अ जॉब, अमंग 16 एप्लीकेंट्स, 16 एप्लीकेंट्स फॉर अ जॉब, 10 हैव अ कॉलेज डिग्री, 10 हैव अ कॉलेज डिग्री, फुल स्टॉप। इफ थ्री ऑफ देम आर रैंडमली चोजन, फॉर एन इंटरव्यू, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, पार्ट ए लिखो, नन ऑफ देम हैज अ कॉलेज डिग्री, पार्ट बी, वन हैज अ कॉलेज डिग्री, टू हैव अ कॉलेज डिग्री, सी पार्ट सी होगा, एंड पार्ट डी होगा ऑल थ्री हैव अ कॉलेज डिग्री, ऑल थ्री हैव अ कॉलेज डिग्री। एक बार क्विकली मेरे को बताना कैपिटल एन क्या होगा, के क्या होगा, स्मॉल एन क्या होगा, और एक्स तो हर केस में चेंज ही हो रहा है। कैपिटल एन है 16, बस अब करो खुद से सॉल्व, 2 मिनट्स में सॉल्व करो आंसर्स के साथ, खाली इक्वेशन। अरे यार क्या
पहला वाला क्या आया? पहला वाला क्या है? जीरो. पहला वाला क्या था क्वेश्चन? नन ऑफ देम हैज अ कॉलेज डिग्री. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? टेन सी जीरो एन माइनस के इज सिक्स. वॉट? थ्री. ठीक है, कितना आ रहा है आंसर? 0.0. नेक्स्ट वाला बोलो, वन के लिए कितना है? 2.67. फिर ये कितना था टू के लिए? और ये ऑल थ्री. ऑल थ्री मतलब 10C3 इंटू 6C0. किस किधर से? ओ बाद में उठा लेना, उठा के बोल दो इन क्लास. ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट. सेवन नंबर, एट नंबर करो. वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. क्लियर है? सबका आंसर आ गया? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में ना आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं कि ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है? यूजुअली वी ऑलवेज टॉक अबाउट समथिंग एज अ अराइवल रेट. देर इज एन अराइवल, देर इज अ काइंड ऑफ अराइवल पैटर्न विच वी ऑब्जर्व. तो यूजली क्लेम अराइवल, एक कंपनी में एक साल में क्लेम्स आ रहे हैं, तो उसको कैसे मॉडल करना है? पॉइजन. एक स्टेशन पे ट्रेन किस रेट से आ रहे है, कैसे मॉडल करना है? पॉइजन. ठीक है, सो एनीथिंग अ मॉडल विच बेसिकली हम लोग जब नंबर ऑफ इवेंट्स दैट अकर इन अ स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल, वन मंथ, टू मंथ, थ्री मंथ, पोस्ट ऑफिस में पोस्ट आ रहे हैं मंथली किस रेट से, ऑल ऑफ दीज इवेंट्स आर मॉडल्ड यूजिंग पॉइजन. तो यहां पे हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो इवेंट है ये वन आफ्टर द अनदर अकर हो रहे हैं एंड एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए हो रहे हैं. वन मंथ, टू मंथली, थ्री मंथली, फोर मंथली, हाफ ईयरली, जैसे भी आप बोल रहे हो. सो यहां पे हम लोग क्या अज्यूम करते हैं? दैट इवेंट्स अकर सिंगली एट अ कॉन्स्टेंट रेट. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलू कि कॉल्स आ रहे हैं मेरे फोन पे टू पर डे, इसका क्या मतलब है? एवरी डे आई एम गेटिंग अ टू कॉल ऑन एवरेज. ठीक है, ऑन एवरेज आई एम गेटिंग टू कॉल्स एंड द इवेंट्स, द टाइम पीरियड्स आर इंडिपेंडेंट. मतलब आज का दिन कल के दिन से इंडिपेंडेंट है, कल का दिन परसों के दिन से इंडिपेंडेंट है. ऑब्वियसली देर इज नो रिलेशन कि एक दिन ज्यादा है तो एक दिन कम आएगा. नो, द डेज इट्स लाइक पॉइजन, जहां बाइनोमियल जहां पे हम बोलते हैं ट्रायल्स इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के, वैसे यहां पे भी जो टाइम पीरियड आप मॉडल कर रहे हो, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. ठीक है, सो यहां पे इसको हम लोग यूजली कैसे डिस्क्राइब करेंगे? लिखो लिखो, अराइवल, या तो तुम लोग ऐसे लिख लो, अराइवल पैटर्न, अराइवल पैटर्न इन अ स्पेसिफाइड इंटरवल ऑफ टाइम.
अब फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे क्या, अगर मैं थोड़ा ना, ये जरूरी नहीं है बट जस्ट टू यू नो मेक यू ऑल अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस आर रिलेटेड टू ईच अदर. फॉर एग्जाम्पल मैं बोल क्या रही हूँ कि एवरी डे मेरे पास 2 कॉल्स आ रहे हैं ऑन एवरेज, ठीक है. अगर मैं आप लोग को याद होगा बाइनोमियल एन कॉमा पी किया था हमने, है ना. अगर मैं बोल दू एन टेंस टू इन्फिनिटी एंड पी टेंस टू जीरो, लेट्स सपोज इन द लॉन्ग रन एन टेंस टू इन्फिनिटी मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स है एंड पी इज टेंडिंग टू जीरो टुगेदर दिस इज हैपनिंग, तो इसका मीन क्या क्या था, हमने एनपी किया था. तो क्योंकि आप बोल रहे हो ये टेंस टू इन्फिनिटी एंड दिस टेंस टू जीरो, तो ये कॉन्स्टेंट रेट पकड़ लेगा, क्योंकि एक आप बोल रहे हो सीधा जा रहे इन्फिनिटी, एक आप बोल रहे हो जीरो जा रहे, तो एक जगह पे कन्वर्ज होगा ना एनपी, आपका जो मीन है वो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू ले लेगा. लेट्स सपोज दैट कॉन्स्टेंट वैल्यू इज लैमडा, दिस इज अ ग्रीक लेटर लैमडा. सो दिस लिमिट, दिस ये जो लिमिट आया, दिस लीड्स टू अ डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं. सो क्यों हम लोग यहाँ पे क्या मतलब ये क्या तरीका है इसको कैसे समझ रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि आप एक दिन में बहुत इंटरवल्स को डिवाइड कर रहे हो एंड उसमें से आप देख रहे हो कि कितना आपका सक्सेस फैक्टर है कि कॉल आ रहा है, ठीक है. दिस इज एन इंट्यूटिव एक्सप्लेनेशन, आई एम नॉट आस्किंग यू कि आप लोग इसको मतलब ध्यान से इसे समझो, बट एक बेसिक आइडिया होना चाहिए. पॉइजन जब हम बोल रहे हैं इट्स एन अराइवल रेट, अ रेट एट विच यू आर गेटिंग कॉल्स ऑन एवरेज पर डे या पर मंथ या पर क्वार्टर या पर ईयर वॉट एवर. तो उसमें अगर हम लोग देखें कि हर एक पूरे दिन को आप इंडिविजुअली डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ट्रायल्स में एंड आप बोलो कि आपका जो पी है दैट टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड बहुत ह्यूज नंबर ऑफ ट्रायल्स है, तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये जा रहा है टुवर्ड्स इन्फिनिटी, ये जा रहा है टुवर्ड्स जीरो, तो एक बीच में कन्वर्ज हो जाएगा लेट्स सपोज लैम्डा. सो दैट बिकम्स द रेट एट विच यू आर रिसीविंग अ कॉल इन अ डे. इन अ डे मल्टीपल ट्रायल्स हो रहे हैं, इनफाइनाइट ट्रायल्स हो रहे हैं, उसमें से कितना आपका सक्सेस निकल रहा है. दैट्स अ सिंपल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग. इसीलिए आगे जाके जब हम लोग अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो हम लोग देखेंगे, हम लोग बोलते हैं कि इफ एन टेंस टू इन्फिनिटी इन बाइनोमियल, तो आप या फिर इट्स अ वेरी ह्यूज नंबर लाइक 30, 40, 50, एन बहुत ह्यूज है, तो उसको हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से मॉडल कर सकते हैं, ठीक है. उसको हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से मॉडल कर सकते हैं, जहां पे आप एन इंटू पी कर लो. दिस इज एन पी क्या होता था, एवरेज होता था. बाइनोमियल का एनपी क्या होता था, एवरेज होता है. हाँ, तो एवरेज ऑफ बाइनोमियल बिकम्स द पैरामीटर लैम्डा, द रेट, इसको हम लोग बोलते हैं द रेट एट विच यू आर गेटिंग द कॉल्स पर डे. गॉट इट, अंडरस्टूड. तो यहां पे हमारा जो एक्स है वो एक्स बेसिकली डिफाइन होता है अराइवल रेट, अराइवल पैटर्न इन अ गिवन, जो मैंने लिखाया इन अ गिवन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड. अब इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स फॉलोज पॉइजन लैम्डा, लैम्डा इज द एवरेज रेट एट विच यू आर रिसीविंग द कॉल्स पर डे, जो भी आपका स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल है. सो यहां पे आपका, अच्छा एक चीज यहां पे, आई डिड नॉट मेक यू ऑल राइट द मीन एंड वेरियंस ना हाइपरजोमेट्रिक में, मैं लिखवा दूंगी. नहीं लिखवाया था ना, एक बार लिख लो ना ये वाला. इसका एक्चुअली डेरिवेशन नहीं है और टेबल बुक में भी नहीं है, तो लिख ही लो. यहां पे लिख लो, चलो मीन होगा इसका एन के बाय एन. हो क्या रहे, समझ रहे हो, एन इज अ पॉपुलेशन, सॉरी कैप स्मॉल एन इज अ सैंपल एंड ये जो था ये आपका क्या था, मतलब के बाय एन इज बेसिकली द प्रोबेबिलिटी, नहीं हो गया पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, एक तरीके से नहीं हो गया 55/100, तो n इंटू पी नहीं हो गया लाइक बाइनोमियल ओनली, ठीक है. ये आप लोग साइड में लिख लो ताकि याद रहे. एंड इसका वेरियंस थोड़ा ट्रिकी है, n के अगेन डेरिवेशन नॉट देयर इन द सिलेबस.
अब इस केस में अगेन अगर हम लोग थोड़ा इसको तोड़ने का कोशिश करें, आपका ये देखो के बाय वन एन स्क्वायर लिखा है ना मैंने, के बाय एन इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, एन माइनस के बाय एन अगेन इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, क्यू एन पी क्यू होता था याद है, सिमिलर टू डैट, बस ये वेदन से तो थोड़ा स्लाइट चेंजेस है, नॉट योर डेरिवेशन इज नॉट देयर। सो याद रखना p के लिए हम लोग जो k बाय कैपिटल k बाय n बोलते थे उसको यहाँ पे रिलेट करने का कोशिश कर सकते हो। चलो कम बैक, सो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि लैम्डा इज द रेट एट विच यू आर गेटिंग द क्लेम्स या वट एवर, सो इट्स द एवरेज रेट, सो ऑब्वियसली योर मीन इन दिस केस इज लैम्डा इटसेल्फ। मैं बोल रही हूँ टू कॉल्स पर डे ऑन एवरेज आ रहे हैं, तो मीन तो आपका एवरेज हुआ ना, लैम्डा हुआ, अगेन दिस इज पर इंटरवल, पर टाइम इंटरवल, पर टाइम इंटरवल, वो टाइम इंटरवल वाला चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में। And variance is also lambda. कैसे है ये भी समझ लेते हैं। चलो तो मैं बोल रही हूं binomial को हम लोग np बोलते हैं mean। अगर इसको आप limit करो मतलब n tends to infinity, p tends to zero, तो ये आपका एक limiting case lambda आ गया on average इतने calls। वो याद है क्या होता था variance np, np q होता था variance of बाइनोमियल। अब इस केस में अगेन इसको अगर आप लिमिट कर दो, इस केस में अगर आप वापस इसको लिमिट कर दो एंड पी इज नथिंग बट लैम्डा बाय एन, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज व्हाट, अगर आप इन दोनों को इक्वेट कर दो लैम्डा बाय एन ही है, तो एन लैम्डा बाय एन वन माइनस लैम्डा बाय एन, ठीक है कैंसिल आउट, क्या बचा, अब हम लोग क्या बोल रहे हैं एन टेंस टू, इफ दिस टेंस टू इन्फिनिटी एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज वन माइनस जीरो, लैम्डा आ गया, आया कि नहीं। सो ये जो चीज है ना ये आप देखोगे कि बहुत लोग नहीं सिखाते, इनफैक्ट पहले हम लोग उतना नहीं डिटेल में जाते थे, बट क्यों मैं डिटेल में अब पढ़ा रही हूँ, रीजन बीइंग बिकॉज आई टीच सी एस टू, आई वॉन्ट यू ऑल टू हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम डे वन। आप क्या बोल रहे हो, आप बोल रहे हो मल्टीपल मतलब इनफाइनाइट ट्रायल्स में से जब आपका ट्रायल्स इनफाइनाइट है एक दिन में, उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत छोटा है, तो आप जब दोनों को मल्टीप्लाई करें ऑन एवरेज एक दिन में कितना आपका सक्सेसेस हो रहा है, कितना आपका अराइवल हो रहा है, बिकम्स लैम्डा। अंडरस्टूड, दैट्स योर पॉइजन प्रोसेस, दैट्स अ पॉइजन प्रोसेस। तो उसका मीन हमने ऐसे किया, तो वेरियंस भी तो अगर आप बाइनोमियल से जा रहे हो पॉइजन में तो वेरियंस भी तो वहीं से डिराइव करना आना चाहिए ना, सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। ठीक है क्विकली साइड में ना पेंसिल से लिख लो, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर मेन नोट्स, बट ऐसा मैं नहीं बोलूंगी कि इसको बार बार रिवाइज करने का आप लोग को CS1 में जरूरत है, बट यू ऑल शुड नो दीज बेसिक थिंग्स। एंड सिंस दिस इज एन अराइवल रेट, ऑब्वियसली देर इज वन कॉन्स्ट्रेंट दैट योर लैम्डा शुड बी ग्रेटर देन जीरो। कैन इट बी नेगेटिव, कैन योर अराइवल रेट बी नेगेटिव, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। इसका वो लिख लो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी नहीं बोल सकते बिकॉज डिस्क्रीट है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन लिख लो लैम्डा टू दी पावर एक्स ई टू दी पावर माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल वेर एक्स इज जीरो वन डॉट डॉट डॉट, कहां तक, इट कैन गो अप टिल इनफाइनाइट।
बाइनोमियल में इनफाइनाइट पॉसिबल था क्या? बाइनोमियल में कहां तक था x का वैल्यूज, क्या क्या ले सकता था? जीरो. n इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, 10 बार आपने कॉइन फेंका. x इज द टोटल नंबर ऑफ सक्सेसेस, तो क्या हो सकता है x का वैल्यूज? 0, 1, 2, 3, n. और इस केस में n इज व्हाट? इन्फिनिटी तक जा रहे हैं x का वैल्यूज. बस ठीक है, लिख लो. एंड लैम्डा नीड्स टू बी ग्रेटर देन जीरो, ये लिख लेना बस. गॉट इट? डिफरेंस बिटवीन, आई जस्ट वॉन्ट अ क्विक हेड्स अप फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि आप लोग को ये समझ में आया कि नहीं आया. तो ये इसका हमारा पीडीएफ है. इसका प्रूफ अगेन इज नॉट रिक्वायर्ड, बट अगर आप लोग को मेन प्रूफ करने बोला जाए कि इससे आप लोग मेन प्रूफ करके दिखाओ, तो वो आप लोग कर सकते हो. जस्ट बिफोर मूविंग अहेड, जस्ट क्विक अगेन वन स्मॉल थिंग अगर आप लोग को करना है, आई थिंक इट्स गिवन ऑन पेज 2 ऑफ टेबल बुक, 2 और 3, वॉट एवर. जस्ट अ स्मॉल प्रूफ इफ यू ऑल वॉन्ट टू डू फॉर पीडीएफ. ए टू दी पर एक्स आपके उसमें लिखा हुआ है, देखो हमने लास्ट क्लास भी ये चीज देखा था, देख रहे हो ये दिया हुआ है पेज 2 या 3 ऑफ टेबल बुक में, चेक करो. 6 है आई थिंक, 2 में देखना, पेज 2 में. ए टू दी पर एक्स का एक्सपेंशन नहीं, बॉयजन नहीं देखना है, ई टू दी पर एक्स का एक्सपेंशन पेज 2, 3, 2 में है ना. सो दिस इज ऑन पेज 2 ऑफ टेबल बुक. बस अब आप x की जगह पे अगर लैम्डा सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो e टू दी पावर लैम्डा इज 1 प्लस एक ही बात है मतलब, ठीक है. अब अगर मैं बोलूं दोनों तरफ में हम लोग e टू दी पावर माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई e टू दी पावर माइनस लैम्डा बोथ साइड्स, तो हमारा लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? e टू दी पावर माइनस 1 हो जाएगा, और इस तरफ सो ऑन, विच इज नथिंग बट समेशन e टू दी पावर माइनस लैम्डा कॉमन है, वह बाहर भी लिख सकते हो, लैम्डा टू दी पावर x x फैक्टोरियल, वेर x गोज फ्रॉम 0 to infinite. क्योंकि अगर आप x की जगह 0 डालोगे तो ये फर्स्ट टर्म आ जाएगा, x की जगह 1 डालोगे तो सेकेंड टर्म आ जाएगा, एंड सो ऑन. एंड सिंस दिस इज इक्वल टू 1, देन ऑब्वियसली दिस इज नथिंग. आपने क्या बोला है, फॉर ऑल x प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स दिस इज 1, तो ये आपका प्रोबेबिलिटी ही तो बन जाता है. येस और नो? येस और नो? सो दिस इज नथिंग बट योर प्रोबेबिलिटी. देयरफॉर ठीक है, पॉइजन के लिए पैरामीटर जो है लैम्डा, मीन, वेरियंस, ऑल दीज थ्री आर ऑलवेज इक्वल. स्टैंडर्ड डिविएशन क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा. स्टैंडर्ड डिविएशन क्या हो जाएगा? सो स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा. मीन भी प्रूफ करके दिखाते हैं चलो, वेरियंस आप लोग घर पे करोगे. मीन लैम्डा कैसे आ रहे हैं वो प्रूफ करके दिखाते हैं, ये कॉपी कर लो. नहीं तुम बैठ, बीमार पड़ जाएगा नहीं तो. ठीक है, अब लिखो मेन प्रूफ करना है कि मेन
लैम्डा कैसे आ रहा है यूजिंग जो हमने अभी तक सीखा है. तो हमने क्या सीखा है, मीन कैसे निकालते हैं, समेशन ऑफ फॉर ऑल एक्स एक्स इंटू पीडीएफ. तो क्या होगा बोलो. समेशन ऑफ ट्राई करो तो एक बार खुद से होता है कि नहीं. एक्स की जगह जीरो डालेंगे तो पहला वाला क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू हो जाएगा ना ये पूरा चीज. तो जीरो प्लस वन डालोगे तो ई टू दी पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा टू दी पावर वन. तो ऐसे लिख देते हैं लैम्डा ई टू दी पावर माइनस लैम्डा. प्लस टू डालोगे तो टू लैम्डा टू दी पावर टू ई टू दी पावर माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल. प्लस थ्री हो गया. अब इसमें हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखो जब हम लोग सब कुछ कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या बचेगा, मतलब एज इन यू कैन टेक ये वाला जी टू ऑन टू कैंसिल, ये थ्री फैक्टोरियल है ना, सो दिस विल बिकम व्हाट, थ्री थ्री कैंसिल, ये टू फैक्टोरियल हो जाएगा. तो सारे वैल्यूज एक एक पीछे, इसके बाद वाला जो टर्म होगा वो होगा फोर इंटू नीचे में फोर फैक्टोरियल, तो फोर फोर कैंसिल, थ्री फैक्टोरियल हो जाएगा नीचे. तो इसको कैसे कर देंगे, ये वन लिखने का, हाँ सही है, प्लस लैम्डा ई टू दी पावर माइनस लैम्डा कॉमन ब्रैकेट में वन प्लस स्क्वायर, कहां से आ जाएगा स्क्वायर, कहां से आ जाएगा, ब्रैकेट में अभी मैंने दिखाया आप लोगों को किसका एक्सपेंशन है, पेज टू ऑफ टेबल बुक, ई टू द पावर एक्स का ये एक्सपेंशन था, प्रूव हो गया. अगर मैं वेरिएंस के लिए बोलूं तो कर पाओगे खुद से, वेरिएंस के लिए ई टू द पावर एक्स स्क्वायर निकाल लेना पहले, और फिर वेरिएंस हो जाएगा ई टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस ई टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर. निकाल लो, अभी निकाल लो, साथ में कर लो. चलो सेम थिंग, जस्ट ई टू द पावर एक्स स्क्वायर का निकालना है, या फिर ई टू द पावर एक्स स्क्वायर का अगर नहीं भी निकालोगे, इसमें इजी तरीका रहेगा अगर आप ऐसे करो. देखो हम लोग वेरिएंस कैसे निकालते हैं, वेरिएंस इज ई टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस ये होता है. तो इफ यू कैलकुलेट ई टू द पावर एक्स एक्स माइनस वन, ठीक है, तो अगर आप ये कैलकुलेट करोगे तो दिस इज इक्विवेलेंट टू राइटिंग व्हाट, दिस इज इक्विवेलेंट टू राइटिंग, ब्रैकेट खोल दो ना, दिस विच इज इक्विवेलेंट टू राइटिंग, तो ये तो आ ही जाएगा एनी विच वे, क्योंकि ये तो आप लोग लैम्डा निकाल ही चुके हो. येस और नो, एक्चुअली वाई आई एम टेलिंग यू टू डू इट दिस वे, आप लोग एक्स स्क्वायर करके देखना, वो थोड़ा डिफिकल्ट टू प्रूव है, बट दिस अप्रोच विल बी इजियर टू प्रूव. तो दिस अप्रोच से अगर हम लोग जाए, सो लेट्स प्रूव एक्सपेक्टेशन एक्स एक्स माइनस वन, इससे इजियर हो जाएगा थोड़ा, और कुछ नहीं है.
अब अगर आप लोग एक्सपैंड करो, मैं लिख नहीं रही हूँ प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू एक्स, बट अगर आप लोग इसको एक्सपैंड करो तो पहला वाला जीरो डालो तो जीरो ही हो जाएगा, प्लस वन डालो वन इंटू वन वो भी जीरो हो जाएगा, टू डालो तो टू इंटू वन इंटू प्रोबेबिलिटी e टू दी पावर लैम्डा, लैम्डा टू दी पावर एक्स क्या है इधर टू डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल, प्लस थ्री इंटू टू, थ्री इंटू टू करना होगा ना, इंटू ई टू दी पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा टू दी पावर थ्री डिवाइडेड बाय, प्लस एक और लिख लो फोर इंटू थ्री ई टू दी पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा टू दी पावर डिवाइडेड बाय फोर फैक्टोरियल। यस, अब इसमें अगर हम लोग कॉमन लें तो पहला दो टर्म अगर हम लोग का जीरो है, इसको ना मैं अगर ऐसे लिखू टू इंटू वन, जस्ट टू मेक यू ऑल इजी टू अंडरस्टैंड, तो यहां पे लैम्डा, एक सेकेंड रुक जाओ, स्क्वेयर, क्योंकि लैम्डा स्क्वेयर लैम्डा क्यूब ऐसे है, तो ये जीरो जीरो अगर आप भूल जाओ तो ये लैम्डा स्क्वेयर कॉमन ले लो, एंड ई टू दी पावर माइनस लैम्डा अगर कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा, पहला टर्म में वन बचेगा टू बाय टू फैक्टोरियल, प्लस सेकेंड टर्म में क्या बचेगा, हाँ लैम्डा बचेगा कि नहीं, एक बार लैम्डा बचेगा, फिर इसमें क्या बचेगा, लैम्डा स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल बचेगा, क्योंकि फोर इंटू थ्री इंटू टू फैक्टोरियल वैसे लिख सकते हैं ना, आप लोग को फैक्टोरियल लिखना आता है, फैक्टोरियल को हम लोग कैसे लिखते थे, फोर फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज फोर इंटू थ्री इंटू टू फैक्टोरियल, फिर नेक्स्ट वाला हो जाएगा फाइव इंटू फोर इंटू थ्री फैक्टोरियल, तो थ्री थ्री कैंसल आउट हो जाए, तो आपका क्या होगा यहां पे ये पूरा प्लस, फिर वो आप लोग एक्सपैंड करके देख सकते हो यही आएगा। अब अंदर वाला अगेन बिकम्स व्हाट, अंदर वाला अगेन बिकम्स ई टू दी पावर लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर आ गया। सो नाउ ये हमने यहां पे प्रूफ कर ही लिया था कि इज तो आपका क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या प्रूफ किया ऊपर, ये आ गया, देयरफोर वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होता है, प्रूव्ड। करो इसको देखो, डन।
क्वेश्चंस करें कुछ कुछ आप पॉइजन का. चलो क्वेश्चन लिखो. नहीं हुआ है तो बोल दो, आई विल जस्ट वेट. इफ एक्स फॉलोज पॉइजन 12, प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज लेस देन 9 निकालो. कैसे निकालेंगे इसको? प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल्स टू 0, प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल्स टू 1, डॉट डॉट डॉट, प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल्स टू 8 तक निकालेंगे. क्या आ रहा है बताओ? आपके टेबल बुक में देखना, उसका प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स का फॉर्मूला गिवन है. नहीं इसमें नहीं, इसमें नहीं. पेज नंबर शुरू में जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, पेज शुरू के पार्ट्स में देखो, उसमें देखो सीडीएफ क्या दिया हुआ है. दिखाओ एक बार. अच्छा वो ठीक है, नहीं ऐसे एक्सप्लिसिटली छोड़ दो तो फिर यही यूज करूं. ट्वेल्व का आई थिंक तुम लोग टेबल बुक शेयर कर लो, एक मेरे को दे दो. पेज नंबर क्या आ रहा है? देखो आयुषी का आंसर आ गया है, शी इज गिवन मी द आंसर एज 0.15503. बट अब देखो इतना डिफिकल्ट है टू एक्सपैंड एंड एवरीथिंग, सो इफ यू गो टू पेज नंबर 175 एंड 176 ऑफ द टेबल बुक, इसमें ना 175 एंड 176 में आप लोग को प्रोबेबिलिटीज ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है ऑफ द फॉर्म दिस. पेज 175 एंड 176 में प्रोबेबिलिटीज एक्स लेस देन एक्स का आप लोग को गिवन है, जहां पे देखो एक्स लेस देन एक्स का क्या मीनिंग है. इट्स बेसिकली समेशन. ये सिम नहीं, यहां तक अगर ये लेस देन इक्वल टू 9 होता तो आप प्लस 9 भी करते. सो इट्स बेसिकली यू आर समिंग ओवर प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू एक्स, जहां पे एक्स कहां से कहां जा रहे हैं, जीरो से आपका एक्स तक,
जैसे अगर यहाँ 9 होता तो प्लस 9 भी करते, तो ये 9 तक जा रहे हैं. तो म्यू जो लिखा हुआ है ना, म्यू ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑन योर पेज नंबर ऑन योर टेबल बुक. तो राजवी सेइंग, राजवी योर वॉट एवर यू आर सेइंग इज रॉन्ग. हाउ कैन यू डू दिस? डज इट मेक एनी सेंस? मतलब आप बोल रहे हो प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन, तो या तो आप इधर से ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9 लिखोगे ना, तब वो सेम आएगा. एंड दिस यू कैन नॉट फाइंड इजिली बिकॉज आपका इनफाइनाइट तक जा रहा था. आप इनफाइनाइट तक थोड़ी निकालोगे एक्स इक्वल टू 9, एक्स इक्वल टू 10, एक्स इक्वल टू 11, इनफाइनाइट तक. अच्छा, तो यहाँ पे देखो म्यू के कॉलम में देखो आपका दिया हुआ है 0.05. तो हमारे केस में म्यू 12 है. तो अगर आप लोग देखोगे ये आपका लास्ट जाता है पॉइजन प्रोबेबिलिटीज, आई थिंक पेज नंबर 185 तक है ये, ठीक है, फॉर डिफरेंट डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज. तो यहां पे आपको क्या चाहिए, म्यू का 12 चाहिए ना. तो म्यू आपका 12 है पेज नंबर कहां बोलो तो 178 में आपका म्यू 12 आ रहा है देखो. एंड एक्स हम लोग का क्या है, लेस देन इक्वल टू 9, पर यहां पे लेस देन 9 है. सो कैन यू से दैट दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू 8, विच इज 8. देखो तो 12 म्यू एंड ऊपर में देखो ऊपर में एक्स का वैल्यूज है और लेफ्ट में म्यू का वैल्यूज है. तो फॉर 8 ऑन पेज 178 ऑफ टेबल बुक एंड 12 कितना आ रहा है, 0.15503 आ रहा है. गॉट इट? तो ये आपको यूज करना है टेबल बुक ऐसे ये निकालने के लिए, ठीक है. अब एक और चीज जो हम लोग सीखेंगे अपने इसमें पॉइजन में, पॉइजन प्रोसेस जो होता है ना वो एडिटिव, उसमें एक एडिटिव क्वालिटी होता है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एडिटिव क्वालिटी? सो फॉर एग्जांपल इफ आई टेल यू, सो फॉर एग्जांपल इफ आई टेल यू कि देर आर कॉल्स कमिंग इन 30 पर आवर, 30 पर आवर आपके कॉल्स आ रहे हैं, तो आप क्या बोल रहे हो आपके 60 मिनट्स में कितने कॉल आ रहे हैं, 30 कॉल्स. तो आप ये भी बोल सकते हो कि 1 मिनट में आपका 30/60 कॉल्स आ रहे हैं. एंड 3 मिनट्स का बात करें, 3 मिनट्स में आपका 30/60 × 3 कॉल्स आ रहे हैं. बेसिकली ये जो पूरा चीज हमने किया, इसका हम लोग अगेन वही अप्रोक्सीमेशन, मैंने क्या बोला आप इनफाइनाइट ट्रायल्स में आपने बांट के बोला है कि पर आर को आपने इनफाइनाइट ट्रायल्स में बांटा है, पी इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस विच इज वेरी लो, सो यू कैन डिवाइड द टाइम पीरियड अकॉर्डिंगली. आगे जाके हम लोग जब पढ़ेंगे CS2 में भी, इसको हम लोग बोलते हैं देर इज अ वर्ड कॉल्ड थिनिंग ऑफ पॉइजन प्रोसेस. अगर इसको मैं और अच्छे से समझाऊं, जो मेरा फेवरेट एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल इफ आई टेल यू कि एक पर्टिकुलर एंट्रेंस गेट है, वहां से मैं बोल रही हूं 1 मिनट में 10 स्टूडेंट घुस रहे हैं, एक गेट में से 1 मिनट में 10 स्टूडेंट घुस रहे हैं, उस गेट को मैं पूरा हाफ कर दूंगी, तो 1 मिनट में कितने लोग आ पाएंगे, अब 5 लोग आ पाएंगे. अगर उस गेट को मैं डबल कर दूंगी तो 1 मिनट में आप 20 लोग, 20 पीपल कैन कम इन. सो वही लॉजिक यहां अप्लाई हो रहा है. अगर 60 मिनट्स 1 आवर में 30 कॉल्स आ रहे हैं, तो 1 मिनट में 30/60 हाफ कॉल्स आएंगे, एंड 3 मिनट्स में हाफ इंटू 3 1.5 कॉल्स आएंगे. इसको एक वर्ड जो हम लोग देते हैं वो वर्ड होता है थिनिंग ऑफ पॉइजन प्रोसेस. मैं नहीं लिख रही हूं बिकॉज दिस इज समथिंग यू डू इन योर CS2, बट यू शुड नो कि थिनिंग ऑफ पॉइजन प्रोसेस बोल के एक वर्ड है. अगर कहीं आप लोग को दिख जाए भूले भटके तो आप लोग को याद आ जाएगा कि दिस इज व्हाट दे आर टॉकिंग. उसका बस एक अच्छा फैंसी सा नेम दिया है, ठीक है. तो अब अगर लेट्स सपोज मैं एक क्वेश्चन पूछूं, रुको, ऑन एवरेज, ठीक है, क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन को तोड़ के, ऑन एवरेज 30 कॉल्स अराइव पर आवर,
what is the probability that no call will arrive in 3 minutes? तो आपको दिया हुआ है x follows poison 30, ये पर आर का रेट दिया हुआ है. अगर मैं आपको इसको पर मिनट का रेट में चेंज करने के लिए बोलू, लेट्स सपोज y स्टैंड्स फॉर 3 पर मिनट, सॉरी y स्टैंड्स फॉर कॉल्स पर 3 मिनट्स. तो अब y follows क्या हो जाएगा, poison 1.5. तो अब आप लोग ये यूज करके क्या निकाल सकते हो, प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू 0, 0 कॉल्स इन 3 मिनट्स, निकाल के बताओ. नेक्स्ट वाला करो, मोर देन 5, कितना आ रहा है इसका आंसर, 0.8 टू द पावर माइनस 1.5 लैम्डा टू द पावर 0, मतलब 1.5 टू द पावर 0, ठीक है. मोर देन 5 कॉल्स, x ग्रेटर देन 5, बट यहां पे आप x कैसे डिफाइन करोगे, 5 मिनट्स का ड्यूरेशन, तो 1 मिनट में हाफ है, 5 मिनट में कितना होगा, 5 इंटू हाफ कितना, 2.5. वो तो ग्रेटर देन है, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि अब हम लोग को पीछे टेबल बुक में पता चल गया कि लेस देन इक्वल टू का प्रोबेबिलिटी इज गिवन है. सो कैन यू राइट लेस देन इक्वल टू, हमेशा याद रखना डिस्क्रीट में इक्वल टू मैटर करता है, तो लेस देन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस, यहाँ पे क्या क्या इंक्लूड होगा, यहाँ पे आपका प्रोबेबिलिटी 5 इंक्लूड नहीं होगा, 6, 7, 8, तो यहाँ पे 5 को भी तो माइनस करना है ना, इस वाले में 5, 6, 7, 8 सब इंक्लूड होगा ना, यस और नो, तो इसमें 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 5 में 5 को आप हटा रहे हो, तो 1 माइनस फ्रॉम टेबल बुक पेज नंबर, इसमें आप लोग देखो लैम्डा जहां पे 2.5 है और एक्स जहां पे 5 है, क्या वैल्यू है, 0.95, ये वाला वैल्यू बताओ, और फाइनल इज दिस क्लियर.
ठीक है. अब नेक्स्ट टॉपिक इसी में, पॉइजन अप्रोक्सीमेशन. मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, पॉइजन में अगर जानना होता है तो उसमें क्या क्या रूल्स होते हैं. तो रूल्स होते हैं, रूल नंबर वन इज एन शुड बी टेंडिंग टू इन्फिनिटी. यूजली हम लोग एक थंब रूल बनाते हैं कि इफ एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30. पी टेंस टू जीरो था तो हम लोग बोलते हैं पी नीड्स टू बी वेरी स्मॉल. एक थंब रूल बनाते हैं ना कि आप कैसे अप्रोक्सीमेट कर सकते हो. सो पी इज वेरी स्मॉल, तो इससे या तो ये दोनों रूल, या तो हम लोग बोलते हैं योर एनपी मीन शुड बी लेस देन 5. अगर ये तीनों रूल में से दो रूल सेटिस्फाई हो रहे हैं, या तो फर्स्ट टू रूल या तो थर्ड रूल सेटिस्फाई हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि योर बाइनोमियल एन कॉमा पी बिकम्स पॉइजन लैम्डा. अब इस केस में आपका मीन था एनपी, इस केस में आपका मीन हो जाएगा लैम्डा. इस केस में आपका वेरियंस था एनपीक्यू, इस केस में आपका वेरियंस हो जाएगा अगेन लैम्डा, प्रूव्ड अर्लियर. ठीक है. सो अगर आपको क्वेश्चन में बाइनोमियल एन कॉमा पी गिवन है और लैम्डा निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? एनपी इक्वल्स लैम्डा करके निकालोगे, एनपी इक्वल्स लैम्डा करके निकालोगे. देख लो, लिख लो इसको. जनरल है. यूजली इंडिविजुअल वैल्यूज आर इररिलेवेंट. यूजली रूल नंबर 3 इज मोर अप्रोप्रिएट, जहां पे हम लोग बोलते हैं कि एन लेट्स सपोज 100 है, पी लेट्स सपोज 0.05 है, तो आपका एनपी 5 आ रहा है. सो इट शुड बी आइडियली, योर एनपी शुड बी आइडियली लेस देन 5. इफ इट इज लेस देन 5 तो हम लोग उसको पॉइजन करते हैं. बट अगेन इट डिपेंड्स, हम लोग के सिलेबस में कभी हम लोग जब करते हैं तो देखते हैं एन अगर बहुत लार्ज है, जैसे 30 के अबव है, एंड पी स्मॉल है, आप लोग कर सकते हो. तो ये 5 वाला रूल नहीं भी चेक करोगे चलेगा, बट यूजुअली 5 वाला रूल चेक कर लेना एक बार कि हो रहा है कि नहीं. बट दे विल टेल यू इन द क्वेश्चन यूजिंग पॉइजन अप्रोक्सीमेशन. अगर बाइनोमियल का क्वेश्चन है, दे विल टेल यू कि यूजिंग पॉइजन अप्रोक्सीमेशन उसको सॉल्व करो, तो आपको अपना स्ट्रेट अवे सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. सो सपोज जब आपका ना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, कब आप अप्रोक्सीमेट करते हो? जब आपके बहुत सारे ट्रायल्स हैं एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज वेरी 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 स्मॉल. इन दैट केस यू थिंक दैट ओके, फॉर एग्जाम्पल क्लेम अराइवल रेट में हम लोग क्या बोलते हैं कि मेरे कंपनी ने लेट्स सपोज 10,000 पॉलिसीज बेचा. ठीक है. प्रोबेबिलिटी कि किसी का कुछ होगा उसमें इज 0.05. सो 10,000 पॉलिसीज में से 0.05 इज द प्रोबेबिलिटी कि किसी को कुछ होगा. तो प्रोबेबिलिटी मतलब क्लेम अराइवल, क्लेम आने का चांस क्या है? 10,000 इंटू 0.05 विच इज 10,000 इंटू 0.05 इज 500. बट तो इस केस में आप क्या बोलोगे, क्या पॉइजन अप्रोक्सीमेशन करें? नहीं. बट और स्मॉल, यूजली अगर हम लोग ऐसे बोलें कि आपका 10,000 आपने पॉलिसीज बेचा है एंड आपका लेट्स सपोज प्रोबेबिलिटी आ रहा है ऐसा कुछ, तो अब आपका आने का रेट क्या हो गया? ऑलमोस्ट 1. तो ये सब केस जब बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा आपका ट्रायल्स होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हैपनिंग इज एक्सट्रीमली स्मॉल, तो इन दैट केस हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं. क्योंकि अब अगर मैं ये दे दूं एंड आप लोग को बोलूं बाइनोमियल यूज करके कुछ प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करो, बहुत कंबर्सम हो जाएगा. बट जब आप अप्रोक्सीमेट करके फिर प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करोगे तो वो इजिली हो जाएगा यूजिंग द टेबल बुक एज वेल. गॉट इट? और अगर आप लोग टेबल बुक में देखो, वन सीधा पेज नंबर 185 के बाद देर इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन गिवन. देखो
there is binomial distribution given starting page 186 से, वहां पे अगेन दे आर कैलकुलेटिंग प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स का वैल्यूज, देख रहे हो? तो n के अलग वैल्यूज गिवन है, x के गिवन है, p के गिवन है, बट उतने ज्यादा वैल्यूज नहीं है, तीन पेज में बहुत थोड़े हैं. सो व्हेन यू यूज अ पॉइजन अप्रोक्सीमेशन इट बिकम्स इजियर टू सॉल्व सर्टन क्वेश्चंस एज वेल. ठीक है, और हम लोग अप्रोक्सीमेशंस बाद में देखेंगे इन द लेटर चैप्टर्स, बट दिस इज अ बेसिक अप्रोक्सीमेशन दैट वी यूज. अब एक क्वेश्चन कर लो, इसी से रिलेटेड लिखो. एक अच्छा क्वेश्चन है, लिखो. इफ 1% ब्लेड्स आर डिफेक्टिव, इन्होंने कंपनी का नाम लिख रखा है क्वेश्चन में, मैंने नहीं लिया. इफ 1% ब्लेड्स आर जिलेट ब्लेड्स, इफ 1% ब्लेड्स आर डिफेक्टिव, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ कार्टन ऑफ 50 ब्लेड्स has at least two defective blades. If 1% blades are defective, what is the probability that a carton of 50 blades has at least two defective blades? At least two defective blades. तो यहां probability of failure या फिर success जो भी हमारे केस में क्या हो जाएगा, 0.01, क्योंकि 1% बोले sample sizes या फिर number of trials is 50. तो आप लोग क्या बोलोगे, x follows binomial 50, 0.01 out of 50 blades, chance that each blade is defective is 0.01, binomial distribution हुआ कि नहीं? बट अब क्या हो रहा है, 15 टू कितना 5 आ रहा है. सो कैन यू यूज पॉइजन अप्रोक्सीमेशन? तो लिखो यूजिंग, लिखो सिंस एन पी इज 5, वी विल अप्लाई, नहीं 5 नहीं है, 0.5 है, विच इज लेस देन 5. We will apply Poisson approximation. We will apply Poisson approximation with lambda 0.5. तो आपका x follows Poisson 0.5 हो गया. अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी x एटलीस्ट दो ब्लेड डिफेक्टिव चाहिए, तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी x एटलीस्ट टू का क्या मतलब है, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू टू, at least 2 is less than equal to 2, 2, 3, 4, 5 greater than equal to 2. अब आपके टेबल बुक में दिया हुआ है, टेबल बुक में क्या दिया हुआ है, लेस देन इक्वल टू का दिया हुआ है. तो एक सेकेंड ध्यान देना, आप लोग नहीं करोगे तो आप लोग सम्स नहीं सॉल्व कर पाओगे. 0, 1, 2, 3, 4, मैं बोल रही हूँ प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 2, मतलब नहीं ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब 2 एंड उससे बड़ा, 2 इंक्लूसिव है, विच इज सेम एज सेइंग कि 1 माइनस ये पूरा चीज, 1 माइनस दिस पार्ट, तो आपका अपने आप ये पार्ट आ जाएगा, विच इज सेम एज सेइंग 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 1. अब देखो टेबल बुक में जाओ, लैम्डा 0.5 एंड एक्स के जगह 1, कौन सा पेज है, लैम्डा के जगह पे 0.5 एंड एक्स के जगह पे 1 डाल के बताओ क्या आ रहा है, 0.09. ये वाला 1 माइनस फाइनल, आ रहे हैं सबका मैच कर लो.
अब एक क्वेश्चन लिखो, ये हो गया तो. A MCQ test consists of 8 questions of 3 options each, जिसमें से 1 correct है. If a student answers each question by rolling a die, सुन लो क्या करेगा. He will, 3 options A, B, C. He will check the first option अगर 1 and 2 आया तो. He will check the second option अगर 3, 4 आया तो. He will check the third option अगर 5 या 6 आया तो. Got it? क्या हो रहा है? There are 8 questions in total. Each questions have 3 options each. I throw a die. 1, 2 आया तो option A. 3, 4 आया तो option B. 5, 6 आया तो option C. अब लिखो question. What is the probability that he will get exactly 4 correct answers. He will get exactly 4 answers correct. चलो करो. पहले देखो कि कौन सा distribution है. अभी तक जितने भी discrete distributions पढ़े हैं उसमें से कोई एक है. ये in general मैंने दिया है. Not specific to binomial poison. कौन सा है? Identify करो, solve it.
आई एम नॉट ऑडिबल, ये चीज तो पहले आप लोग को बोलना चाहिए था ना, इतने देर से मैं बोल रही हूँ, तुम लोग बोल रहे हो आई एम नॉट ऑडिबल अभी. ये ऊपर वाला चीज क्लियर है. सो वॉट आई वॉज सेइंग इज एक्स फॉलोज दिस बाइनोमियल हो गया. एट क्वेश्चंस हैं, जिसमें से हर क्वेश्चन होने का चांस इज 1/3 करेक्ट. क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 और 2 आने का 2/6 है, 2, 3 और 4 आने का 2/6 है, 5 और 6 आने का 2/6 है. तो 1/3 हो गया. अगर मैं बोल रही थी ये जो 4 है ये 4 इधर आ जाता तो आपका ये प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाता, सेम नहीं होता, तो हम लोग बाइनोमियल शायद कर भी नहीं पाते क्योंकि बाइनोमियल में प्रोबेबिलिटी नीड्स टू बी कॉन्स्टेंट. अब यहाँ पे आप पॉइजन अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो यूज, वेर लैमडा विल बी एनपी विच इज 8/3 कर सकते हो यूज, बट नॉट रिक्वायर्ड. जब आपको एक ही प्रोबेबिलिटी निकालना है तो आप लोग पॉइजन से डायरेक्ट बाइनोमियल से डायरेक्टली निकाल सकते हो, बट अगर आप लोग पॉइजन अप्रोक्सीमेशन करोगे सिमिलर आंसर आपको उधर भी मिलेगा. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ. ऑन एवरेज 8 कॉल्स आर रिसीव्ड पर आर, 8 पर आर. अज्यूमिंग नंबर ऑफ कॉल्स फॉलो पॉइजन प्रोसेस, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 6 कॉल्स विल बी रिसीव्ड इन नेक्स्ट 2 आवर्स, एटलीस्ट 2 कॉल्स, एटलीस्ट 2 कॉल्स इन नेक्स्ट 20 मिनट्स. चलो करके बताओ, करके बताओ.
क्या आया आंसर? तो पहला वाला क्या बोल रहा है? पहला वाला बोल रहा है 8 कॉल्स पर आर बोल रहा है ना, तो 8 कॉल्स अगर पर आर है तो पर 2 आवर्स कितने कॉल्स हो गए? 16 हो गए. हमें क्या चाहिए? एग्जैक्टली 6 माइनस लैम्डा, लैम्डा टू द पावर एक्स, एक्स फैक्टोरियल क्या आ रहा है? 0.00. करेक्ट. पार्ट टू, 20 मिनट्स. अगर 1 आवर में मतलब कि 60 मिनट्स में 8 है तो 20 मिनट्स में कितना होगा? 8 बाय 60 इंटू 20 कितना आ रहा है? नहीं, फ्रैक्शन में लो. यू कैन नॉट डू दैट बिकॉज उससे आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा. इफ यू आर टेकिंग लैमडा अप्रोक्सीमेटली, आप क्या कर रहे हो? आप अपने पूरे मॉडल को गलत कर दे रहे हो. आइदर टेक फुल डेसिमल्स एंड तक, विच इज नॉट पॉसिबल, तो आपको फ्रैक्शन में वर्क करना पड़ेगा. फ्रैक्शन में कितना आ रहा है? फ्रैक्शन में कितना आ रहा है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एक्स फॉलोज पॉइजन 8/3. तो आपका ये हो गया एटलीस्ट 2 कॉल्स, मतलब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, विच इज ऑल्सो सिमिलर एज राइटिंग प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू 1. अब ये आपको टेबल बुक में नहीं मिलेगा. अगर आप लोग अप्रोक्सीमेट करके कर रहे हो तो आपको गलत आंसर मिलेगा. आप लैमडा को अप्रोक्सीमेट, मतलब 8/3 कितना होगा? 2 पॉइंट. आप लोग नहीं कर सकते क्योंकि पूरा गलत हो जाएगा कैलकुलेशन. तो इसको बेटर हम लोग सॉल्व तो कर ही सकते हैं, क्या दिक्कत है? इतना तो आप लोग कर ही सकते हो ना. करो, करके बताओ. कॉमन ही आ जाएगा, 8/3 तो कॉमन आ जाता है. तो इधर क्या बचेगा? एनीवेज आपका 1 प्लस 8/3 टू दी पावर 1/1 फैक्टोरियल, यही आएगा आंसर. बोलो. वेरी गुड आचल, 0.7452. क्लियर? अब आपको क्या करना है, इन योर AEIQ फोरम देर इज बेसिक वर्कशीट का शीट डाला, एक पूरा शीट डाला हुआ है आपके पेपर ए फाइल्स में. जब आप लोग जाओगे उसमें बेसिक वर्कशीट है जिसमें रैंडम वेरिएबल के क्वेश्चंस है एंड डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के मिक्स्ड क्वेश्चंस है. तो जितना पहले तो रैंडम वेरिएबल के आप लोग सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करोगे, रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी के जितने क्वेश्चंस है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमारा हो चुका है, रैंडम वेरिएबल हमारा हो चुका है. आई क्विकली शो इट टू यू ओवर हियर, आई होप इट्स विजिबल. ये देखो, यहां पे आपका पेपर ए में जब आप लोग जाओगे मटेरियल में तो बेसिक वर्कशीट है. बेसिक वर्कशीट में देखो, पहले तो बेसिक प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस हैं जिसमें से हम लोग ने 5-6 क्वेश्चन क्लास में भी किया था, 11 क्वेश्चंस है. और एंड देन बेसिक ये रैंडम वेरिएबल के अगेन देर आर, रैंडम वेरिएबल के अगेन देर आर 32 क्वेश्चंस. तो ये भी तुम लोग कर सकते हो अभी, तो ये आप लोगों को करना है. एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बहुत क्वेश्चंस है, इंक्लूसिव ऑफ कंटिन्यूअस. कल हमारा जो क्लास है उससे पहले आई वांट ऑल ऑफ यू टू डू प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम. अभी तुम लोग यहां बैठे तो यहां बैठ के कर लो प्रोबेबिलिटी एंड एटलीस्ट रैंडम वेरिएबल का पूरा क्वेश्चंस कर लो. इसमें मैंने इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस अभी
इन 2 दिनों के क्लास में कराया है, बट ओवर द कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है कल हम स्टार्ट करें. जितना आपको देख के समझ में आ रहा है कि आपसे बन रहा है वो आप लोग इसका भी बना सकते हो. कल फर्स्ट आई विल टेक द डाउट्स ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम हियर एंड देन वी कैन प्रोसीड टू द कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन. क्लियर? एनी डाउट? एनीथिंग यू नीड टू आस्क? क्लियर? ठीक है, चलो. थैंक यू सो मच. बाय बाय.